तुम्हें भी लोग गूगल पर खोजेंगे, पक्का यकीन करो। अपने लक्ष्य पर ज्यादा समय लगाओ, वक्त बर्बाद ना करो। नमस्कार साथियों, आज की वीडियो क्लास बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आज आप देखने वाले हैं आपके क्लास की जबरदस्त चैप्टर द नोबेल पीस प्राइज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल, देन क्लिक ऑन बेल आइकन एंड ऑन ऑल बेल आइकन, प्लीज प्रेस टू गेट माय ऑल योर अपडेट्स। तो ज्यादा समय न गंवाते हुए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करें। बिफोर यू रीड, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जरा इन लाइनों पर ध्यान दें। द नोबेल पीस प्राइज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड दैट एनीवन कैन अचीव। नोबेल शांति पुरस्कार एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। इट इज गिवन टू पीपल एनी वेयर इन द वर्ल्ड, यह दुनिया में कहीं भी लोगों को दिया जाता है। हु हैव कंट्रीब्यूटेड बाई एनी मीन्स टुवार्ड्स पीपल एंड हार्मनी, जिन्होंने लोगों और सद्भाव के लिए किसी भी तरह से योगदान दिया है। इन दिस लेसन वी विल टॉक अबाउट अ फ्यू ऑफ द नोबेल पीस प्राइज विनर्स हु हैव बीन द टॉर्च बेयरर्स ऑफ पीस इन देयर डोमेन। टॉर्च बेयरर्स मीन्स अग्रदूत। इस पाठ में हम नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं में से कुछ के बारे में बात करेंगे जो अपने क्षेत्र में शांति के अग्रदूत रहे हैं। अब आइए यहां से मेन चैप्टर को स्टार्ट करें। नोबेल प्राइजेस आर गिवेन ईच ईयर इन सिक्स सब्जेक्ट एरियाज, नेमली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 6 विषय क्षेत्रों भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में दिए जाते हैं। द प्राइजेस ऑनर पीपल अराउंड द ग्लोब हु हैव डन आउटस्टैंडिंग वर्क इन वन ऑफ दिस एरियाज। ये पुरस्कार दुनिया भर के उन लोगों को सम्मान में दिए जाते हैं जिन्होंने इनमें से किसी भी एक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। इट इज नेम्ड आफ्टर अल्फ्रेड नोबेल, अ स्वीडिश साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द एक्सप्लोसिव कॉल्ड डायनामाइट। इस पुरस्कार का नाम स्वीडन देश के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। द इन्वेंशन मेड हिम रिच एंड ही डिसाइडेड टू यूज द मनी टू ऑनर पीपल हु हेल्प्ड ह्यूमन काइंड इन सम वेज। इस पुरस्कार ने उन्हें धनी बना दिया और उन्होंने इस धन से उन व्यक्तियों को सम्मान देने का निर्णय लिया जिन्होंने किसी भी रूप में मानव जाति की सहायता की है। समटाइम्स टू और थ्री पीपल शेयर अ प्राइज, कभी कभी एक पुरस्कार को दो या तीन लोगों में साझा किया जाता है। द फर्स्ट नोबेल प्राइजेस वर हैंडेड आउट ऑन December 10, 1901, एग्जैक्टली 5 ईयर्स आफ्टर अल्फ्रेड नोबेल्स डेथ। पहला नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को अल्फ्रेड नोबेल के मृत्यु के ठीक बाद दिया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता में यहां पहला नाम है कैलाश सत्यार्थी का। तो नोबेल पीस प्राइज 2014 फॉर द वर्क डन बाय हिम इन द फील्ड ऑफ चिल्ड्रंस राइट एंड एजुकेशन, बच्चों के अधिकार और शिक्षा के इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए इन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ही शेयर्ड द प्राइज विथ अ पाकिस्तानी गर्ल मलाल यूसुफजई हु हैज बीन फाइटिंग फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, जिन्होंने इस पुरस्कार को एक पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई के साथ बांटा था जो लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़ रही थी। कैलाश सत्यार्थी इज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फ्रॉम इंडिया हु हैज बीन लीडिंग अ ग्लोबल मूवमेंट टू एंड चाइल्ड स्लेवरी एंड एक्सप्लॉयटेशन सिंस 1980।
when he gave up his career as an electrical engineer. Slavery means gulami ya dasta. Exploitation means shoshan. कैलाश सत्यार्थी भारत के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो 1980 में बाल दास्ता और शोषण को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। जब इन्होंने विद्युत इंजीनियर के रूप में अपना करियर छोड़ दिया था, कैलाश सत्यार्थी थ्रू हिज वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशन बचपन बचाओ आंदोलन has freed more than 83,000 children from exploitation and developed a plan for their education and rehabilitation. Rehabilitation means पुनर्वास. कैलाश सत्यार्थी ने अपने विश्व प्रसिद्ध संगठन बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से 83,000 से अधिक बच्चों को शोषण से मुक्त कराया है और उनके शिक्षा और पुनर्वास की योजना तैयार की है। अब नेक्स्ट चैप्टर में आइए। सिंस हिज चाइल्डहुड कैलाश हैड ऑलवेज क्वेश्चन्ड द रॉन्ग एंड अनजस्ट। अनजस्ट मींस अन्याय। कैलाश ने बचपन से ही हमेशा गलत और अन्याय पर सवाल उठाया था। एज अ यंग चाइल्ड ऑफ 5 ईयर्स ही वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड when he saw a small boy walking with his cobbler father shining shoes at the school gate on the first day of his school. 5 साल के एक छोटे बच्चे के रूप में जब इन्होंने विद्यालय के पहले दिन एक छोटे लड़के को उसके काम करते हुए मोची पिता के साथ जूते चमकाते हुए देखा तो ये बहुत परेशान हो गए। He could not understand why some children were different from him. ये समझ नहीं सके कि कुछ बच्चे इनसे अलग क्यों हैं। It did not take Kailash much time to understand the difference between his life and that of the cobbler's son. Kailash को अपने और मोची के बेटे के जीवन के बीच के अंतर को समझने में अधिक समय नहीं लगा। Kailash always felt that all children are born equal and therefore have the right to lead a good life. कैलाश ने हमेशा महसूस किया कि सभी बच्चे एक समान पैदा होते हैं और इसलिए उन्हें एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। During his school days, public schooling was not free. उनके स्कूल के दिनों में या उनके दौरान सरकारी स्कूलों में पढ़ना निशुल्क नहीं था, यानी फ्री नहीं था। विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू लाइक माइंडेड फ्रेंड्स कैलाश स्टार्टेड अ फुटबॉल क्लब एंड देन पुट अप स्नैक स्टॉल एट फिट्स एंड फियर्स टू रेज मनी फॉर द चिल्ड्रेन हु वर अनेबल टू अटेंड स्कूल। फिट्स मीन्स त्योहारों, फेयर्स मीन्स मेलो। कुछ समान विचार वाले दोस्तों की मदद से कैलाश ने फुटबॉल क्लब शुरू किया और फिर उन बच्चों के लिए पैसे जुटाने के लिए त्योहारों और मेलों में नाश्ते का ठेला लगाया जो स्कूल जाने में असमर्थ थे। लेटर ही स्टार्टेड बुक डोनेशन ड्राइव विच लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक बैंक an initiative to provide school books to children who couldn't afford them. बाद में इन्होंने पुस्तक दान अभियान शुरू किया जिसने बुक बैंक की अवधारणा को जन्म दिया, जो उन बच्चों को स्कूल की किताबें प्रदान करने की पहल थी जो उन्हें खरीद नहीं सकते थे। To raise a voice against the prevalent social evil of untouchability, Kailash dropped his family name and adopted Satyarthi, English seeker of truth, as his surname. Prevalent means prachalit, untouchability means छुआछूत। समाज में प्रचलित छुआछूत जैसी बुराई के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कैलाश ने अपना पारिवारिक उपनाम छोड़ दिया
और सत्यार्थी को अपने उपनाम के रूप में अपनाया, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है सत्य की खोज करने वाला। He has done tremendous work in the field of child labor, illiteracy and poverty. Tremendous means अद्भुत। इन्होंने बाल श्रम, निरक्षरता तथा गरीबी के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया है। His organization has saved thousands of children from trafficking and slavery in India. Trafficking means तस्करी। इनकी संस्था ने भारत में हजारों बच्चों को तस्करी और गुलामी से बचाया है। Fighting for the rights of such children, Kailash has to face many hardships. ऐसे बच्चों के अधिकारों के खातिर लड़ते समय कैलाश को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। He was harassed, tortured and beaten many a times while risking the children labors and trafficked children. बाल श्रम और तस्करी किए गए बच्चों को छुड़ाने के दौरान इन्हें बहुत बार परेशान किया गया, सताया गया और पीटा भी गया। बट ही नेवर लॉस्ट करेज, परंतु ये कभी हिम्मत नहीं हारे। हिज मिशन ऑफ क्रिएटिंग अ चाइल्ड फ्रेंडली वर्ल्ड शोज इन द क्रिएशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली विलेजेस और बाल मित्र ग्राम्स इन इंडिया एंड नेपाल एज सेफ एंड पीसफुल हैबिटेट्स फॉर चिल्ड्रेन हु हैव बीन विथड्रॉन फ्रॉम वर्क एंड एनरोल्ड इन स्कूल। ऐसे बच्चे जिनको काम छोड़ाकर विद्यालय में भर्ती कराया गया है, उनके लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण निवास स्थान के रूप में भारत और नेपाल में सैकड़ों बाल मित्र ग्रामों की स्थापना, बच्चों के लिए मित्रतापूर्ण संसार की रचना करने के लिए कैलाश के अभियान को दर्शाती है। दीज विलेजेस फॉलो डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक, पेज पलटिए, प्रिंसिपल्स स्ट्रिक्टली एंड चिल्ड्रंस व्यूज आर रिस्पेक्टेड इन द विलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये गांव लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हैं और गांव के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में बच्चों के विचारों का सम्मान किया जाता है। अ चिल्ड्रंस पार्लियामेंट वर्क्स इन क्लोज कोऑपरेशन अंडर द विलेज पंचायत टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों की समस्याओं को देखने के लिए बाल संसद ग्राम पंचायत के काफी करीबी से उनके सहयोग में काम करती है। दीज विलेजेस हैव नो केसेस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। इन गांव में बाल विवाह और बाल शोषण का कोई मामला नहीं है। कैलाश हैज डोनेटेड द इंटायर नोबेल प्राइज मनी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। कैलाश ने नोबेल पुरस्कार की पूरी राशि बच्चों के अधिकारों की उन्नति के लिए दान कर दी है। ही हैज ऑल्सो हैंडेड ओवर हिज नोबेल मेडल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डेडिकेटिंग इफ टू हिज मदरलैंड एंड इट्स ग्रेट पीपल। इन्होंने अपने नोबेल पदक को भी अपनी मातृभूमि और इसके महान लोगों को समर्पित करते हुए भारत के राष्ट्रपति के हवाले कर दिया है। उसके बाद हैं द 14th दलाई लामा नोबेल पीस प्राइज 1989 अवार्डी फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड चाइनीज डोमिनेंस इन तिब्बत। अवार्डी मींस पुरस्कार विजेता, डोमिनेंस मींस प्रभुत्व। 14वें दलाई लामा तिब्बत में चीनी प्रभुत्व को समाप्त करने के अपने प्रयासों के लिए 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बने। द 14th दलाई लामा वॉज बोर्न एज तेंजिन ग्यात्सो इन सिंघाई प्रोविंस चाइना इन 1935।
14वें दलाई लामा का जन्म 1935 में चीन के सिंघाई प्रांत में तेंजिन ग्यात्सो के रूप में हुआ। ही वॉज ऑफ टिबेटन पेरेंटेज एंड टिबेटन मॉन्क्स विजिटेड हिम व्हेन ही वॉज 3 एंड अनाउंस्ड हिम टू बी द रिकार्नेशन ऑफ द लेट 13th दलाई लामा। रिकार्नेशन मीन्स पुनर्जन्म। वह तिब्बती माता पिता के संतान थे और तिब्बती भिक्षुओं ने उनसे मुलाकात की जब वह 3 वर्ष के थे और उन्हें 13वें दिवंगत दलाई लामा के पुनर्जन्म की वे लोग घोषणा किए। एट एज 5 तेंजिन ग्यात्सो वॉज टेकन टू द टिबेटन कैपिटल ऑफ ल्हासा एंड इंस्टॉल्ड एज द लीडर ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म। 5 साल की उम्र में तेंजिन ग्यात्सो को तिब्बत की राजधानी ल्हासा ले जाया गया और तिब्बती बौद्ध धर्म के नेता के रूप में स्थापित किया गया। इन अक्टूबर 1950 चाइनीज कम्युनिस्ट फोर्सेस इन्वेडेड एंड कैप्चर्ड तिब्बत। इन्वेडेड मीन्स आक्रमण किया। अक्टूबर 1950 में चीनी साम्यवादी ताकतों ने आक्रमण किया और तिब्बत पर कब्जा कर लिया। द यंग दलाई लामा अपील्ड टू द यूनाइटेड नेशंस फॉर सपोर्ट बट हिज एंटिटीज वर डिनाइड। एंटिटीज मीन्स अनुरोध। युवा दलाई लामा ने संयुक्त राष्ट्र से समर्थन की प्रार्थना की, अनुरोध किया, लेकिन उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। इन 1951 तिब्बतन चाइनीज पीस एग्रीमेंट वॉज साइंड इन विच द नेशन बिकेम अ नेशनल ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना सपोजली अंडर द रूल ऑफ द दलाई लामा बट एक्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ अ चाइनीज कम्युनिस्ट कमीशन। 1951 में तिब्बत चीन शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया गया जिसके अंतर्गत तिब्बत राष्ट्र चीन का एक राष्ट्रीय स्वशासित क्षेत्र बन गया, जो ऐसा माना जाता है कि वह क्षेत्र दलाई लामा के शासन के तहत था, लेकिन वास्तव में वह चीनी कम्युनिस्ट आयोग के नियंत्रण में था। आफ्टर इयर्स ऑफ प्रोटेस्ट्स इन तिब्बत अ फुल स्केल रिवोल्ट ब्रोक आउट इन मार्च 1959। प्रोटेस्ट मींस विरोध। तिब्बत में वर्षों के विरोध के बाद मार्च 1959 में पूर्ण पैमाने पर विद्रोह शुरू हो गया एंड द दलाई लामा फ्लेड विथ पेज पलटिए 1 लाख अदर टिबेटेंस एज चाइनीज ट्रूप्स ट्राइड टू स्टॉप द रिवोल्ट्स और दलाई लामा 1 लाख अन्य तिब्बतियों के साथ भाग गए क्योंकि चीनी सैनिकों ने विद्रोह को रोकने की कोशिश की। ही बिगेन एन एक्साइल इन इंडिया सेटलिंग एट धर्मशाला इन द हिमालयन फुटहिल्स वेयर ही एस्टेब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिकली बेस्ड शैडो टिबेटन गवर्नमेंट। ये भारत में शरण लिए और हिमालय की तलहटी में धर्मशाला में बस गए जहां ये लोकतांत्रिक रूप से आधारित तिब्बती सरकार की स्थापना की है। बैक इन तिब्बत द चाइनीज अडॉप्टेड ब्रूटल मेजर्स अगेंस्ट द टिबेटन्स। वापस तिब्बत में चीनियों ने तालिबान के खिलाफ क्रूर कदम उठाए। थाउजेंड्स ऑफ मोनास्ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड। वहां हजारों बौद्ध मठों को नष्ट कर दिए गए। फ्रॉम हिज बेस एट धर्मशाला द दलाई लामा ट्रेवल्ड द वर्ल्ड सक्सेसफुली ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ अदर कंट्रीज टू द कंटिन्यूइंग चाइनीज सप्रेशन ऑफ द टिबेटन पीपल। धर्मशाला में अपने आधार से दलाई लामा ने चीनियों के द्वारा किए जा रहे तिब्बती लोगों पर लगातार
दमन की तरफ पूरे देश का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित करते हुए दुनिया भर में यात्रा किया। मेजर एंटी चाइनीज राइट्स ब्रोक आउट इन लहासा इन 1987 एंड इन 1988 चाइनीज डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ इन द रीजन। 1987 में लहासा में प्रमुख चीनी विरोधी दंगे भड़क उठे और 1988 में चीन ने इस क्षेत्र में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। सिकिंग पीस द दलाई लामा ड्रॉप्ड हिज डिमांड फॉर टिबेटन इंडिपेंडेंस एंड कॉल्ड फॉर अ ट्रू सेल्फ गवर्निंग तिब्बत। शांति स्थापित करने की घोषणा में दलाई लामा तिब्बत की स्वतंत्रता की अपनी मांग को छोड़ दिए और एक वास्तविक स्वतंत्र तिब्बत सरकार बनाए जाने के लिए आवाज उठाएं। चाइना रिजेक्टेड द ऑफर, चीन इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया। द फॉलोइंग ईयर द दलाई लामा गॉट द नोबेल प्राइज फॉर पीस। उसके अगले साल दलाई लामा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। After more than 4 decades of exile, the Dalai Lama continued to travel, publishing the Tibetan Cause. 4 दशकों से अधिक यानी 40 सालों से अधिक निर्वासन के बाद दलाई लामा लगातार सभी जगह की यात्रा कर तिब्बत की तकलीफ का प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद एक प्रमुख, बहुत ही प्रमुख हस्ती हैं नेल्सन मंडेला। एकदम मंगरेला की तरह काला कलूटा, लेकिन इनकी छवि एकदम दूध के फेन की तरह चक चक। नोबेल पीस प्राइज अवार्डी 1993 फॉर हिज लीडरशिप एंड हिज एंटी अपार्टाइड एक्टिविज्म इन साउथ अफ्रीका। एंटी अपार्टाइड मींस रंग भेद विरोध। रंग भेद का मतलब गोरे और काले लोगों के बीच जो विरोध होता था उसकी बात हो रही है। इनके नेतृत्व क्षमता और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेदी विरोध में सक्रियता के लिए 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। नेल्सन रोलिहल्ला मंडेला वॉज बोर्न ऑन 18 जुलाई 1918 इन ट्रांसकी साउथ अफ्रीका। नेल्सन रोलिहल्ला मंडेला का जन्म साउथ अफ्रीका के ट्रांसकी राज्य में 18 जुलाई 1918 को हुआ। हिज गिवन नेम वाज रोलिहल्ला शोसा नेम मीनिंग पुलिंग द ब्रांच ऑफ अ ट्री और इनफॉर्मली ट्रबल मेकर। शोसा दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है जिसका मेन काम था शिकार करना या जानवरों को चराना। तो ये जो नाम है ना रोलिहल्ला, यह एक जनजाति नाम है जिसका अर्थ है पेड़ की शाखा को खींचना, या अनौपचारिक रूप से कहा जाए तो ये लोग उपद्रवी होते हैं, अशांति फैलाने वाले। मंडेलास फादर डाइड व्हेन ही वाज 12। मंडेला जब 12 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। मंडेला देन लिव्ड विद द लोकल रीजेंट हु सेंट हिम टू स्कूल। रीजेंट मीन्स राज प्रतिनिधि। फिर मंडेला एक स्थानीय राज प्रतिनिधि के यहाँ रहने लगे जिसने इन्हें स्कूल भेजना शुरू किया। ही वॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली टू गो टू स्कूल। ये स्कूल जाने वाले अपने परिवार के पहले सदस्य थे। ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम फोर्थ हेयर यूनिवर्सिटी इन 1941 बिकॉज ही लेड अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑन पॉलिटिकल स्ट्राइक। इन्हें 1941 में फोर्थ हेयर यूनिवर्सिटी से निष्कासित किया गया था क्योंकि इन्होंने राजनीतिक हड़ताल पर छात्रों के एक समूह का नेतृत्व किया था। आफ्टर ही वॉज एक्सपेल्ड नेल्सन फाउंड अ जॉब एज अ नाइट वॉचमैन। निष्कासित होने के बाद नेल्सन ने रात्रि प्रहरी के रूप में काम किया। इन 1944 मंडेला हेल्प्ड टू स्टार्ट द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग।
1944 में मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना में मदद किया। मंडेला टुक शुमास प्लेस ऑन द एएनसी नेशनल एग्जीक्यूटिव इन मार्च 1950 एंड दैट सेम ईयर वाज इलेक्टेड द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द एएनसीवाईएल। मंडेला ने मार्च 1950 में एएनसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जैकोब जुमा, जो इस पार्टी का अध्यक्ष था, उसकी जगह ले ली और उसी वर्ष ये एएनसीवाईएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। इन मार्च द डिफेंड फ्री स्पीच कन्वेंशन वाज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, ब्रिंगिंग टुगेदर अफ्रीकन इंडियन एंड कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट्स टू कॉल अ मे डे जनरल स्ट्राइक इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपार्थिट एंड वाइट माइनॉरिटी रूल। मार्च में जोहान्सबर्ग में डिफेंस फ्री स्पीच कन्वेंशन आयोजित किया गया था, जिसमें रंग भेद और श्वेत अल्पसंख्यक शासन के विरोध में मई दिवस की आम हड़ताल का आह्वान करने के लिए अफ्रीकी, भारतीय और कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को एक साथ शामिल किया गया था। मंडेला अपोज्ड द स्ट्राइक बिकॉज इट वॉज मल्टी रेशियल एंड नॉट एएनसी लेट। मंडेला ने इस हड़ताल का विरोध किया क्योंकि यह बहुनस्लीय हड़ताल था और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसका नेतृत्व नहीं किया गया था। बट अ मेजोरिटी ऑफ ब्लैक वर्कर्स टुक पार्ट, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड पुलिस रिप्रेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द सप्रेशन ऑफ कम्युनिज्म एक्ट 1950 अफेक्टिंग द एक्शंस पेजिलिटी ऑफ ऑल प्रोटेस्ट ग्रुप्स। रिप्रेशन मीन्स दमन, लेकिन इसमें अधिकांश अश्वेत श्रमिकों ने भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस दमन में वृद्धि हुई और साम्यवाद अधिनियम 1950 के दमन ने सभी विरोध समूहों के कार्यों को प्रभावित किया। इन 1952 द एएनसी बिगेन प्रिपरेशन फॉर अ ज्वाइंट डिफेंस कैंपेन अगेंस्ट अपार्थाइड विद इंडियन एंड कम्युनिस्ट ग्रुप्स, फाउंडिंग अ नेशनल वॉलेंटरी बोर्ड टू रिक्रूट वॉलेंटियर्स। 1952 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने भारतीय और साम्यवादी समूहों के साथ रंग भेद के खिलाफ एक संयुक्त अवज्ञा अभियान की तैयारी शुरू की, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक बोर्ड की स्थापना करते हुए स्वयं सेवकों की भर्ती की। द कैंपेन वॉज डिजाइंड टू फॉलो अ पाथ ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। यह अभियान महात्मा गांधी की अहिंसा के नीति के हिसाब से डिजाइन किया गया था। सम सपोर्टेड दिस फॉर एथिकल रीजंस, बट मंडेला इंस्टीड कंसीडर्ड इट प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मींस व्यवहारिक और एथिकल मींस नैतिक। कुछ ने नैतिक कारणों से इसका समर्थन किया, लेकिन मंडेला ने इसके बजाय इसे व्यवहारिक माना। एट अ डर्बन रैली ऑन 22nd जून मंडेला एड्रेस्ड एन असेंबल्ड क्राउड ऑफ 10,000 इनिशियलिंग द कैंपेन प्रोटेस्ट्स फॉर विच ही वॉज अरेस्टेड एंड ब्रीफली एंटर्ड इन मार्शल स्क्वायर प्रिजन। 22 जून को डर्बन रैली में मंडेला ने 10,000 के इकट्ठे भीड़ को संबोधित किया, जिसमें अभियान विरोध शुरू किया गया। इसमें इन्हें गिरफ्तार किया गया और मार्शल स्क्वायर जेल में कुछ समय के लिए रखा गया। दीज इवेंट्स एस्टैब्लिश्ड मंडेला एज वन ऑफ द बेस्ट नोन ब्लैक पॉलिटिकल फिगर्स इन साउथ अफ्रीका। इन घटनाओं ने मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में
सबसे प्रसिद्ध अश्वेत राजनीतिक हस्ती के रूप में स्थापित किया। इन सितंबर 1953 एंड्रू क्यूनेन रेड आउट मंडेलास नो एजी वॉक टू फ्रीडम स्पीच एट ट्रांसवाल एएनसी मीटिंग। सितंबर 1953 में एंड्रू क्यूनेन ने ट्रांसवाल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की बैठक में मंडेला की नो एजी वॉक टू फ्रीडम भाषण पढ़ा। द टाइटल वॉज टेकन फ्रॉम अ कोट बाय इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर जवाहरलाल नेहरू, अ सिमिलर इन्फ्लुएंस ऑन मंडेलास थॉट। यह शीर्षक भारतीय स्वतंत्र नेता जवाहरलाल नेहरू के एक उदाहरण से लिया गया था जो मंडेला के विचारों पर एक मौलिक प्रभाव था। He received the Nobel Peace Prize in 1993 with former state president of South Africa, Frederick Willem de Klerk. इन्हें 1993 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राज्य अध्यक्ष फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क के साथ नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ओवर द कोर्स ऑफ हिज लाइफ मंडेला वाज गिवन ओवर 250 अवार्ड्स, एकोलेट्स, प्राइजेस, ऑनररी डिग्रीज एंड सिटीजनशिप्स इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज पॉलिटिकल अचीवमेंट्स। अपने जीवन के दौरान मंडेला को राजनीतिक उपलब्धियों में 250 से अधिक पुरस्कार, सम्मान, सम्मानित डिग्री और नागरिकता प्रदान की गई। आफ्टर सफरिंग फ्रॉम अ प्रोलॉन्ग्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मंडेला डाइड ऑन 5 दिसंबर 2013 एट द एज ऑफ 95। प्रोलॉन्ग्ड मीन्स लंबी, रेस्पिरेटरी मीन्स सांस संबंधी। दिसंबर 2013 में लंबी सांस संबंधी संक्रमण के कारण 95 वर्ष की उम्र में मंडेला का निधन हो गया। तो देखा आपने, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करना आसान नहीं होता, और अगर यह आसान होता तो इसका इतना ज्यादा सम्मान नहीं होता। यह नदी की उल्टी धारा में बहने जैसा है। तो आप भी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ें जिससे कि आपकी झोली में भी नोबेल पीस प्राइज मिल सके। इसका क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक इसकी वर्डमिनी को याद कीजिए और रिवीजन जरूर कीजिए, तभी सफलता मिलेगी। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।